हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और आज हम देखेंगे दोस्तों समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जानेंगे कि समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन की अर्थ क्या होती है, इसकी अवधारणा क्या होती है, इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं और क्या सिद्धांत हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के, क्या महत्व है इंक्लूसिव एजुकेशन का यानी कि समावेशी शिक्षा का क्या महत्व है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बीएड के एतबार से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अक्सर आपसे सवाल पूछे जाते हैं, कम से कम एक सवाल तो जरूर पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को हम शुरू करेंगे दोस्तों बिना किसी देरी के। जैसा कि हमें नाम से पता है दोस्तों, समावेशी शिक्षा, समावेश मतलब सबको समाहित कर लेना, एक ऐसे शिक्षा व्यवस्था जहाँ पे हर एक प्रकार के बालक या बालिका या बच्चे पढ़ते हों। हर एक प्रकार से कहने का क्या मतलब, जैसा कि अगर आप इस चित्र में देखेंगे, इस पिक्चर्स में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ सामान्य बालक हैं और कुछ विशिष्ट बालक है। जब हम विशिष्ट बालक कहें इसका मतलब कि उन जैसे कि ये बालक हो गए मतलब इनके अंदर थोड़ी सी विशिष्टता है, स्पेशलिटी है कि इनको चलने में, सुनने में, देखने में, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे कुछ ना कुछ यहाँ पे थोड़ी बहुत कमी बेस है। ये विशिष्ट बालक है, सामान्य से थोड़े से विपरीत है। तो एक ऐसे शिक्षा व्यवस्था जहाँ पे सबको एक साथ पढ़ाई जाए, कोई भेदभाव ना रहे, वो भी आपके साथ पढ़े, हम सब भी मिलकर एक साथ पढ़ें, तो ऐसे शिक्षा व्यवस्था को वास्तव में हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, तो यही इसका मूल पॉइंट है, यही इसका मेन टॉपिक है, यही इसका मेन दोस्तों प्रिंसिपल है कि समावेशी शिक्षा का मतलब हर एक प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ें, चाहे वो असीमित या फिर शारीरिक अक्षमता हो, बौद्धिक अक्षमता हो या फिर मानसिक अक्षमता हो, कुछ ना कुछ अगर उनके तो प्रॉब्लम भी है, अगर वो स्पेशल हैं फिर भी उनको अपने साथ ही पढ़ाया जाए। अच्छा, ऐसे करने की वजह क्या हुई, जैसे मान लीजिए अगर आप इनको अलग पढ़ाएंगे तो फिर वो समाज का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, उनके अंतर्गत वो आत्मविश्वास नहीं आएगा और कहीं ना कहीं जो सामान्य बालक हैं जैसे हम और आप, हमारे अंदर कोई विकलांगता या कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, तो बचपन से अगर हम इनसे दूर रहेंगे तो आगे चल के भी हम अपने आप को इनसे अलग रखेंगे, हम उन्हें अपंग समझेंगे या उसे थोड़ा सा हम कमज़ोर समझेंगे या उनसे हम अलग समझेंगे। इसीलिए एक समावेशी शिक्षा का माहौल बनाया जाता है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था रखी जाती है जहाँ पे हर एक प्रकार के बालक एक साथ पढ़ें और हमें ये एहसास हो कि नहीं, वो भी हमारे जैसे हैं, वो भी हमारे जैसे इंसान हैं, हमारे में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है, बस उनकी ये क्या है, थोड़ी सी यहाँ पर उनकी विशिष्टता है, थोड़े से वो स्पेशल है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इस चीज़ को लिखना कैसे, तो सेम इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया था। तो समावेशी शिक्षा की अगर हम अर्थ की बात करें कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है, तो समावेशी शिक्षा दोस्तों उस शिक्षा को कहते हैं जिसमें सामान्य विद्यालयों में बाधित एवं सामान्य बालकों को एक ही साथ रखकर शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता है। समझ में आ गई बात, एक सामान्य विद्यालय में, ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई स्पेशल थिंग, सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ साथ उन बाधित बालकों को भी एक साथ एक समान शिक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा अपंग बालक की शिक्षा सामान्य स्कूल तथा सामान्य बालकों के साथ कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करने की ओर इंगित करता है। मतलब समावेशी शिक्षा यही कहता है कि जो बच्चे थोड़े से अपंग हैं उनका भी शिक्षा सामान्य बालकों के साथ हो, हालांकि अगर आप चाहें तो थोड़ी सी उन्हें विशेष ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, फिर भी आप अलग नहीं करेंगे, आप उन्हें थोड़ा सा विशेष ध्यान दे सकते हैं। अब चाहे यह शारीरिक तथा मानसिक रूप से बाधित हो, ठीक है, फिर भी उन्हें सामान्य बालकों के साथ रख के ही सामान्य कक्षा में, बिल्कुल अलग कक्षा भी नहीं कर सकते, सामान्य कक्षा में ही शिक्षा प्रदान किया जाता है। विशेष सेवाएं देकर विशिष्ट आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए सहायता करती है। अगर कोई स्पेशल टास्क है या स्पेशल कार्य है तो उसमें आप उन्हें विशेष सहायता दे सकते हैं। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत यही है बच्चों कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें हर एक प्रकार के बालक को एक साथ पढ़ाया जाए, उनके शारीरिक अपंगता या फिर शारीरिक कमी से उनको अलग ना किया जाए, यही इसका मूल मंत्र है। एक सवाल अक्सर आपसे ये भी पूछता है कि समावेशीकरण का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों शिक्षा में समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्त के अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, सामान्य शिक्षा प्राप्त के अवसर मिलने चाहिए। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण से अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। पहले क्या था कि एक समावेशी शिक्षा बनाई गई थी, उसमें हम केवल स्पेशल चाइल्ड को, जिनके अंतर्गत ये विकलांगता है, उन्हीं को पढ़ाते थे, लेकिन अब इसको ख़त्म कर दिया है। अब क्या है, नहीं, सबको एक साथ पढ़ाइए, आप उन पर विशेष ध्यान दे सकते हैं लेकिन सबको एक साथ पढ़ाइए, और इसी को करना समावेशीकरण कहलाता है। और पूरे शिक्षा प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा कहलाती है। समझ में आ रही, इसी प्रकार से आपको लिखना है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आइए
कुछ परिभाषा पे ध्यान देते हैं। जैसे कुछ परिभाषाएं निम्न प्रकार से दी गई हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टैंड बैक एवं स्टैंड का विचार में क्या कहा था, समावेशी विद्यालय अथवा पर्यावरण से अभिप्राय ऐसे स्थान से है जिसका प्रत्येक व्यक्ति अपने जिसका प्रत्येक व्यक्ति अपने को सदस्य मानता है, जिसको अपना समझा जाता है, जो अपने साथियों और विद्यालय कुटुंब के प्रत्येक सदस्य की सहायता करता है और अपनी शिक्षा प्राप्ति संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उनसे सहायता प्राप्त करता है। समावेशी का मतलब एक समाज, पूरा वातावरण, जैसे कि हम एक स्कूल से बाहर भी, वो समावेश का मतलब एक स्कूल से बाहर भी अगर आप हम ऐसे बच्चे को देखते हैं तो उन्हें भी हम अपने जैसा समझें, अपने तरीके से समझें, वास्तव में इसी को क्या कहते हैं, समावेशी कहते हैं। माइकल एंजियन ने क्या कहा था कि समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों, सिद्धांतों और प्रथाओं के समूह से है जो सभी विद्यार्थियों को, चाहे वो विशिष्ट अथवा है या अथवा नहीं, प्रभावकारी और सार्थक शिक्षा देने पर बल देते हों। मतलब चाहे वो विशिष्ट हो या ना हो, सबको प्रभावकारी, इफेक्टिव और सार्थक, मतलब मीनिंगफुल एजुकेशन दे, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, समावेशी शिक्षा कहते हैं, अकॉर्डिंग टू माइकल एंड जियन के अनुसार। ओके, एक अच्छा परिभाषा लास्ट देख लेते हैं, स्टेफन एंड ब्लैकहार्ट ने क्या कहा था कि शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित, चाहे वो पूर्ण रूप से हो या फिर आंशिक रूप से हो, बाधित बालकों के समान कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। मतलब सामान्य कक्षा, उनके लिए कोई विशेष नहीं, सामान्य कक्षाओं में उनका भी शिक्षण हो, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, समावेशी शिक्षा कहते हैं। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो कि व्यक्तिगत योजनाओं द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण अधिगम को बढ़ावा देता है। मतलब एक वैज्ञानिक सोच है, इससे होगा क्या, इससे दोस्तों एकाकीकरण, मतलब एक कॉपरेशन, मतलब एकता की भावना इससे क्या होगी, विकसित होगी और एक साथ मिलकर सीखने को क्या करता है, बढ़ावा करता है। परिभाषा समझ में आ गया दोस्तों। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे समावेशी शिक्षा के बारे में, कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, भाई क्यों हमें ज़रूरी है कि समावेशी शिक्षा बच्चों को पढ़ाया जाए। तो पहला दोस्तों, समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकाकीकरण संभव है, बिल्कुल सही बात है, आप एक सूत्र में सबको बांध सकते हैं, सब सारे बच्चे को एक जैसा आप ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, समावेशी शिक्षा कम खर्चीला होता है, आप स्पेशल चाइल्ड के लिए आप अलग क्लासरूम बनाएंगे, उनके लिए अलग स्कूल बनाएंगे, उनके लिए अलग शिक्षा व्यवस्था, पाठ्यक्रम, टीचर्स, और समावेशी में सबको एक साथ पढ़ाएंगे तो ये थोड़ा सा क्या होगा, कम खर्चीला होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, कम खर्चीला हो जाएगा। यहाँ पे ये दूसरी यहाँ पे आपकी आवश्यकता होगी, इसलिए समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन की आवश्यकता रही। तीसरा पॉइंट दोस्तों, सामाजिक एकाकीकरण को सुनिश्चित करना, फिर से वही बात, सामाजिक एकाकीकरण मतलब सबको समान देना। अब जैसे क्या होता है कि जो बच्चे कॉमन है, हो सकता है वो पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएँ और ये समाज में पीछे रह जाएँ, तो एक प्रकार की व्यवस्था, एक प्रकार की शिक्षा का अवसर देना जिससे सबके अंदर एक क्या हो, एकता की भावना हो, सब एक दूसरे से प्रेम करें, सहयोग करें, आपस में मिलकर चले और सबका एक साथ विकास हो, क्योंकि एक गाड़ी के जब चारों पहिए चलते हैं तभी वो गाड़ी आगे बढ़ती है, ठीक वैसे ही अगर समाज के हर एक वर्ग के व्यक्ति की विकास होगा तभी एक देश आगे बढ़ेगा। इसीलिए दोस्तों समावेशी शिक्षा जरूरी है, इससे क्या होगा, सामाजिक एकाकीकरण सुनिश्चित होगा, सामान्य मानसिक विकास संभव, सबका सबकी सोच एक जैसी होगी। अब वो अगर नहीं पढ़ेंगे, कॉम्पिटिशन में नहीं आएंगे, देश दुनिया को नहीं जानेंगे तो वो उस तरीके से सोच नहीं पाएंगे। इसीलिए दोस्तों समावेशी शिक्षा में अलग अलग लोगों से मिलके उनकी भी सोच क्या होगी, एक समान होगी, एक आगे प्रोग्रेसिव थॉट उनके अंदर डेवलप होगा। चलिए, यहाँ तो कोई समस्या, कोई बस पॉइंट देखना है, पॉइंट देखने के बाद आप अपने शब्दों में लिखिए, एज इट इज़ तो कोई लिख नहीं पाएगा, इसीलिए पॉइंट पर डिस्कस करना ज़्यादा जरूरी है, और अगर पॉइंट समझ गए तो आप इसको अपने शब्दों में आसानी से लिख सकते हैं। अब इस पॉइंट को हम देखेंगे, ये पॉइंट बहुत ही खास है, यही पूरा दोस्तों अब तक आपने जो पढ़ा है, जो आगे पढ़ने वाले हैं उस सबको इसी चार्ट में हमने समराइज़ किया। इसमें अगर आप देखेंगे तो समावेशी शिक्षा की विशेषताएँ की बात कर लीजिए या महत्व की बात कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो पहला क्या है भाई, पहला है शारीरिक रूप से बाधित बालक सामान्य बालक साथ साथ समान कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं, यह समावेशी शिक्षा की विशेषता भी हो गई और समावेशी शिक्षा की महत्व भी हो गई, ठीक है। अपंग बालक को अलगाव से रोकना, बिल्कुल उनको अलग करने से बचाना है, ठीक है। एक वर्ड आता है पृथकीकरण, मतलब पृथकीकरण नहीं करना है उनको, डिवाइड नहीं करना है, डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, हम सबको एक साथ रखेंगे, तो इन जैसे बालकों को अलगाव से बचाना है, अलगाव से रोकना है, सामान्य बालकों के साथ जोड़ना है। विशिष्ट एवं सामान्य बालकों को समान अवसर प्रदान करना, सबके लिए समान अवसर, अगर कोई विशिष्ट बालक है, ऐसा बालक है जो फिजिकली थोड़ा सा चैलेंज है, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम सामान्य अवसर देंगे, हो सकता है वो भी इंजीनियर बन जाए, हो सकता है वो भी डॉक्टर बन जाए, हो सकता है वो भी IAS बन जाए, तो ये क्या होता है, हम सबको क्या करेंगे, समान अवसर देंगे।
विशिष्ट बालकों को भी सामान्य बालकों की भांति आत्मनिर्भर बनाना, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है दोस्तों, आत्मनिर्भर बनाना, वो भी रोजगार में आए, वो भी सेवा में आए, वो भी जॉब में आए, वो भी बिजनेस में आए, तो सबको ये क्या करना, आत्मनिर्भर बनाना, ये हमारी समावेशी शिक्षा का विशेषता है, समावेशी शिक्षा की महत्व है। अब विशिष्ट बालकों को जीवन यापन तथा उनका स्तर ऊँचा उठाना और उनके नागरिक अधिकार को सुनिश्चित करना कि उनके भी कुछ नागरिक मौलिक अधिकार हैं वो सुनिश्चित करना, वो जब पढ़ेंगे लिखेंगे साथ आएंगे तभी तो वो अपने अधिकारों को समझ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों विशेषताएं हैं समावेशी शिक्षा की, ये सारी दोस्तों महत्व हैं, इन्हीं पॉइंट के आधार पर आप क्या करना है, लिखना है आपको। बहुत अच्छा दोस्तों, हम एक लास्ट पॉइंट देखेंगे, लास्ट पॉइंट के बाद इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत दोस्तों, अगर किसी भी क्लासरूम में समावेशी शिक्षा चल रही है तो उसके कुछ प्रिंसिपल होंगे, कुछ सिद्धांत होंगे, उसी सिद्धांतों के आधार पर आपको क्या करना है, समावेशी शिक्षा का क्रियान्वयन करना है, समावेशी शिक्षा चलाना है। तो पहली विशेषता क्या है दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, दूसरा समानता का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, समान अवसर का सिद्धांत, व्यक्तिगत शिक्षा का सिद्धांत और समावेशी पर्यावरण का सिद्धांत। ये दोस्तों सात इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं, थियरीज, प्रिंसिपल हैं, जिनके आधार पर जिन पे आपको क्या करना है, समावेशी शिक्षा है। अब वन बाय वन देखना है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत का मतलब कि आप समावेशी शिक्षा में विभिन्नता को ध्यान, लेकिन जैसे कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होती है, हो सकता है कुछ बच्चा पढ़ने में बहुत तेज हो, कुछ बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर हो, कुछ बच्चा किसी और पृष्ठभूमि से आता है, किस बच्चे की भाषा कुछ और होती है, तो हर एक बच्चे के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, उनका माइंड सोचने का अलग होता है, उनका आईक्यू अलग होता है, तो आप इस विभिन्नता को ध्यान में रखकर तब आप पढ़ाएंगे। ऐसे तरीके से नहीं पढ़ाएंगे केवल जो तेज बच्चे हैं वही पढ़ते हुए चले जाएँ, जो कमज़ोर बच्चे हैं वह रुक जाए। तो आपको क्या करना है, जब आप व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखेंगे तो हर एक बच्चे की उसकी रुचि उसकी क्षमता के अनुसार आप पढ़ाएंगे। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है कि कोई दो बच्चे समान योग्यता क्षमता व रुचि के नहीं होते। समावेशी शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करने पर बल देती है। इसमें असमर्थ बाधित बालक भी सामान्य कक्षा में बैठकर पढ़ सकते हैं, उन्हें उनकी रुचि क्षमता शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण किया जाता है। इसलिए विभिन्न क्रियाकलाप व गतिविधि तथा शिक्षण रणनीति में परिवर्तन किया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण अधिगम सहायता प्रदान होती है। बात समझ में आ गई, हर एक बच्चे की अपनी अलग रुचि होती है, अलग समझने की क्षमता होती है, अलग उनका आईक्यू लेवल होता है, तो सबके अनुसार हमें लेकर चलना है, सबको एक साथ लेकर चलना है, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को हमें ध्यान में रखना है, उनके व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो उनके इंडिविजुअल डिफरेंस को हमें क्या करना है दोस्तों, इंपॉर्टेंस देना है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, समावेशी शिक्षा में समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत का मतलब सबको समान अवसर देना, सबको, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा समझ नहीं पा रहा, ठीक है बैठो तुम क्या समझोगे, तुम रहने दो, तो ऐसा नहीं करना, हम सबको समान अवसर देंगे, ठीक है, सबसे पूछेंगे, उसे नहीं समझ में आ रहा तो बताएंगे, सबको एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। समावेशी शिक्षा पूर्णतः समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें सभी बच्चे को एक समान एक ही कक्षा में शिक्षण किया जाता है। इस शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान की जाती है तथा उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण किया जाता है तथा प्रत्येक बालक की कठिनाई समस्या का ध्यान रखा जाता है। इस शिक्षा का उद्देश्य क्षतिग्रस्त बच्चों को जहाँ तक संभव हो सके स्वतंत्रता पूर्वक अपने मन से अभावों को मिटाकर एवं अपने अपंग एवं अन्य सामान्य बच्चों से अलग न समझकर अच्छी प्रकार से जीवन जीने और अपने को जीवन के संयोजित करने की कला सिखाना है। मतलब जो बच्चे थोड़े से अपंग, उनको भी अपने आप को हीन नहीं समझना, उनको भी इस तरीके से पढ़ाना है कि समाज में वो भी क्या करते हैं, समानता के अधिकार को पा सके, वो एक समान बालक की तरह रहें और एक समान बालक की तरह सोचें। अगर उनको कहीं विशेष शिक्षा की जरूरत पड़ रही तो आप वहाँ पे उनको बताएंगे, उनकी अगर कठिनाई समस्या है उसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल, अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है कि सहयोग का सिद्धांत। सहयोग का सिद्धांत बिल्कुल भाई, जैसे जो बच्चे, जिस बच्चों को सहयोग की ज़रूरत है वहाँ पे आप उसको क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। तो सामाजिक शिक्षा बिना सहयोग के प्रदान नहीं किया जा सकता, समावेशी शिक्षा या कोई भी शिक्षा दोस्तों बिना सहयोग के प्रदान नहीं किया जा सकता। इसी में सभी सहयोग अपेक्षित, जैसे कि अब इस सहयोग में कौन, जैसे माता पिता, अभिभावक, साथी, समूह, विद्यालय के प्रबंधक, अध्यापक, टीचर, सबको मिलकर सहयोग करना है, एक सहयोग रूप से आपको शिक्षा देना है। तो ये दोस्तों समावेशी शिक्षा के सिद्धांत हैं, सहयोग का सिद्धांत, इसमें सबका सहयोग क्या है दोस्तों, निहित है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, आपके सामने ये दो तस्वीरें होंगी। पहले तस्वीर में देखेंगे कि कोई
इस प्रकार का बालक वो खुद को कमज़ोर समझ के वो क्या कर रहे हैं, रास्ते पे पैसे मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में देखेंगे एक व्यक्ति इंजीनियर है, वो दूसरों को डायरेक्शन दे रहा है कि कैसे कार्य करना है। अब यहाँ पे दोनों चीज़ों में आपको फ़र्क साफ दिखाई देगा। यही मेन मकसद है दोस्तों समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का, कि हर एक बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना, उसे कहीं भी ये बात का एहसास ना होने देना कि वो कमज़ोर है। बिल्कुल कमज़ोर नहीं है, अगर वो पढ़ेगा मेहनत करेगा तो कुछ भी बन सकता है। स्टीफन हॉकिंग का नाम आपने सुना होगा कि उन्होंने कहाँ तक साइंस के फील्ड में काम किया था, ठीक है। समावेशी शिक्षा उन बच्चों को, अभी रिसेंटली यूपीएससी का रिजल्ट आया, वहाँ भी एक इसी प्रकार के व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत अच्छा रैंक लेकर आया है। समावेशी शिक्षा उन बच्चों को आत्मविश्वासी आत्मनिर्भर बनाने में सहायता प्रदान करती है जो किन्हीं कारणों से असमर्थ वो असक्षम होते हैं। समावेशी शिक्षा इन बच्चों को मुख्य धारा के समन्वित करती है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायता प्रदान करती है। इस शिक्षा में बच्चे की असमर्थता को ध्यान में रखकर उन्हीं के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, इसका प्रशिक्षण लेकर वो अपना रोजगार कर सके, वह जीवन निर्वाहन कर सके। समावेशी शिक्षा का एक और सिद्धांत है दोस्तों, क्या सिद्धांत था, आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। ओके ओके, दो तीन और सिद्धांत हैं, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, अभी तक ये बहुत अच्छा आपको समझ में आ गया होगा। शिक्षा का एक समान का अवसर, एक समान का शिक्षा का अवसर, बिल्कुल फिर से वही बात है। इस शिक्षा समावेशन के सिद्धांत पर आधारित है, इसमें शिक्षा के सभी प्रकार के बालक शामिल किए जाते हैं। अपने स्थानीय विद्यालयों की सामान्य कक्षाओं में बिना किसी अपंगता या विशिष्ट का भाव लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसा शिक्षा प्रत्येक बच्चे को उच्चतम सीमा तक विद्यालय और कक्षा में जहाँ पढ़ना चाहे उपलब्ध कराई जाती है। यह शिक्षा बच्चों को उन्मुख व अग्रसर करती है, मतलब बच्चों को आगे बढ़ाती है। समान शिक्षा का समान अवसर मतलब सबको मिले, आप सबका एडमिशन लीजिए, सबको क्लास में आने तो दीजिए, बैठने तो दीजिए, पढ़ने तो दीजिए, फिर उनकी देखिए योग्यता। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है दोस्तों, इस तरीके के बच्चे सामान्य बच्चों से ज़्यादा समझदार होते हैं। समझदार इन सेंस वो चीज़ों को जल्दी समझ पाते हैं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं जिन लोगों से मिला, जैसे एक बच्चे को मैं जानता हूँ, वो बोल नहीं पाता, उसकी ड्राइंग इतनी अच्छी है, वो ड्राइंग बहुत अच्छा बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके के बच्चों के अंतर्गत चीज़ें होती हैं, तो हमें उनको कम नहीं समझना है, हमें उन्हें एक समान ही समझना है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये आई थिंक ये सेकंड लास्ट पॉइंट रहना है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम का सिद्धांत। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम सिद्धांत का मतलब यह शिक्षा बच्चे को केंद्र मानकर कार्य करती है। इस विशिष्ट व अक्षम बालकों के लिए व्यक्तिरूपक शिक्षा योजना तैयार की जाती है तथा बच्चे को ठीक से सिखाने का प्रयास किया जाता है। उसकी शिक्षा समस्याओं को चिकित्सक अभिभावक का सहयोग लिया जाता है। इसके परामर्श व सुझाव के अनुसार शिक्षण किया जाता है तथा बच्चे को समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है। जैसे विशिष्ट यहाँ पे व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम का मतलब, अगर किसी बच्चे को अगर देखने में प्रॉब्लम है तो कुछ किताबें ऐसी आती हैं जो वहाँ पे टच्ड होती हैं, या फिर कुछ किताबें हाई प्रिंटेड होती हैं जो मोटे मोटे लिखे होते हैं, तो हम इस तरीके का सहायता उनको करेंगे, इस तरीके का उनके शिक्षण कार्य के लिए हम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बाकी समय पड़ने पर मनोचिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर सबकी सलाह लेके उनको हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। सो दिस इज गोना बी द लास्ट पॉइंट दोस्तों, समावेशी पर्यावरण का सिद्धांत। समावेशी पर्यावरण मतलब कुल मिला के इतना कहना है कि एक ऐसा माहौल आपको तैयार करना है, आपको हर बार उन्हें एहसास नहीं दिलाना है कि आप विशिष्ट हो, आप थोड़े से यहाँ पे फिजिकली चैलेंज हो, नहीं, हमें एक ऐसा माहौल दोस्तों, एक पर्यावरण बना देना है। यह शिक्षा एवं स्वास्थ्य शैक्षिक पर्यावरण के निर्माण पर बल देती है। समावेशित पर्यावरण से तात्पर्य है जहाँ विशिष्ट, बाधित व सामान्य बच्चे एक दूसरे के सहयोग करते हुए शैक्षिक अनुभव प्राप्त करें। समावेशित पर्यावरण बच्चों के सामाजिक कुशलता एवं नैतिकता की ओर लेके जाता है। मतलब एक ऐसा पर्यावरण बनाना कि किसी बच्चे को दूसरे बच्चे से ऐसा न लगे कि भाई तुम फिजिकली चैलेंज हो, मतलब तुम खराब हो, ऐसा नहीं। एक ऐसा माहौल बनाना, एक ऐसा पर्यावरण बना जहाँ पे हर एक प्रकार के बालक एक साथ शिक्षा प्राप्त करें, ठीक है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस पॉइंट में कुछ नहीं था दोस्तों, इस पॉइंट का मेन कारण ये तस्वीर है, मेन यहाँ पे सिद्धांत है। इस तस्वीर कहने का मतलब, समावेशी का अर्थ मतलब, यहाँ पे एक ऐसा शिक्षा व्यवस्था जहाँ पे हर एक प्रकार के बालकों को एक साथ, एक समान अवसर के साथ, एक जगह पे उनको पढ़ाई की जाए, ठीक है। यही इसकी उदाहरणा है, विशेषताएँ हमने बताई, सिद्धांत देखा हमने, इसका महत्व देखा। दोस्तों इसी टॉपिक से आपके सवाल पूछे जाएंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप अगर समझ गए होंगे तो आसानी से आप लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इस पीडीएफ को वहाँ पे भेज दूंगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आगे हम एक और टॉपिक देखेंगे जिसमें हम देखेंगे एक शिक्षा व्यवस्था होती है जिसको हम कहते हैं विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन के आपस संबंध
और स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या अंतर है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में अपनी राय जरूर दें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन पढ़ाई का कार्य जारी रहेगा, अगले वीडियो को देखना ना भूलें। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।